नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे एशिया कप का छठा मैच, जो खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेज श्रीलंका के बीच में। अगर मैच की बात करें दोस्तों, 5 सितंबर को यह मैच खेले जाने वाला है 3 बजे। तो दोस्तों, क्या आज की हमारी जीएल टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ग्रैंड लीग टीम में हम कैप्टन कौन से प्लेयर को लगा सकते हैं, वॉइस कैप्टन कौन से प्लेयर को लगा सकते हैं, कौन सा प्लेयर इंपोर्टेंट है आज के मैच में, और कौन सा प्लेयर आज के मैच में ट्रंप कार्ड प्लेयर है। 10,000 रुपए का गिव्य क्वेश्चन आज के मैच में क्या रहेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो गिव्य की एक सिंपल सी कंडीशन है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा उसका करेक्ट आंसर अगर आप देते हो तो आप 10,000 रुपए का गिव्य विन कर सकते हो। तो दोस्तों, एशिया कप का नंबर 6 का मैच जो अफगानिस्तान वर्सेज श्रीलंका के बीच में खेले जाने वाला है लाहौर की पिच पर पाकिस्तान में। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी पिच रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि पिच कैसी है, ताकि हम जो भी टीम बनाएंगे, ग्रैंड लीग की हो या स्मॉल लीग की टीम हो, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ हमारी यहां पर बन जाएगी। तो दोस्तों, पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। रिसेंट में यहां पर ओडीआई के टोटल 64 मैच अभी तक खेले गए हैं, और दोस्तों 33 मैच जो पहले बैटिंग करती है उस टीम ने विन किए हैं, 30 मैच सेकेंड बैटिंग करने वाली ने विन किए हैं। एक मैच यहां पर टाई भी हो चुका है, और एवरेज स्कोर 251 के करीब आपको देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की टीम ने यहां पर सबसे हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है 375 रन का, और पाकिस्तान की टीम ने ही यहां पर सबसे लोएस्ट स्कोर किया है ओनली 75 रन का। स्कोरिंग पैटर्न 200 से नीचे दोस्तों 11 बार स्कोर बन चुका है, 200 से 250 के बीच में 19 बार, 250 से 300 के बीच में 22 बार, और 300 से ऊपर 12 बार यहां पर स्कोर बन चुका है। अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करें लास्ट के 6 मैचों में, तो पेसर्स को 40 विकेटें और स्पिनर्स को दोस्तों 29 विकेटें इस पिच पर मिल चुकी है। अगर विकेटें ज्यादातर निकलेंगी तो पेसर्स आज के मैच में निकाल के लेके जाएंगे। मीडियम फास्ट बॉलर को आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रीसेंट मैचों के बारे में, जो अभी रीसेंट में इस पिच पर खेले गए हैं उसमें क्या स्कोर बना है, पेसर्स को कितनी विकेट मिली है, स्पिनर्स को कितनी विकेट मिली है। तो दोस्तों, अभी रिसेंट में बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में मैच हुआ था, ओनली 2 विकेट ही यहां पर स्पिनर्स को मिली। जैसे कि मोहम्मद नबी और राशिद खान दोनों स्पिनर फ्लॉप थे उस मैच में, और दोस्तों 9 विकेटें यहां पर पेसर्स लेके गए। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 2 विकेट स्पिनर्स को मिली, 9 विकेट पेसर्स को। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का 2022 में मैच हुआ, 4 विकेट स्पिनर्स को मिली, 8 विकेट पेसर्स को। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 12 विकेट स्पिनर्स को मिली, 4 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली। तो दोस्तों, इन मैचों में लगभग आपको पेसर्स परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। जो लाहौर की पिच है उस पे पेसर्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं। अगर आप अपनी ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो पेसर्स के अकॉर्डिंग आज के मैच में आप अपनी ग्रैंड लीग टीम बना सकते हो। अगर लास्ट के 9 मैचों की बात करें हेड टू हेड के रिकॉर्ड के बारे में, तो रिसेंट में अफगानिस्तान की टीम हार के आ रही है बांग्लादेश के खिलाफ, और दोस्तों श्रीलंका की टीम 6 मैच विन कर रखे हैं हेड टू हेड में, और बैक टू बैक अभी तक एक भी मैच नहीं आ रही है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है श्रीलंका की। अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका के अगेंस्ट 3 बारी मैच को विन किया है रिसेंट में, बैक टू बैक हार के आ रही है टोटल 9 मैचों में हेड टू हेड के। तो दोस्तों, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। अगर अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ओपनिंग बैट्समैन रहमतुल्ला गुरबाज और जादरन आपको दोनों ओपनिंग बैट्समैन में नजर आएंगे। फिर आपको रहमत शाह देखने को मिलेगा, फिर साहिदी है, फिर यहां पर एन जादरन है, फिर मोहम्मद नबी आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहां पर नेब और करीम जनैत आपको देखने को मिलेगा, राशिद खान, मुजीबुर रहमान और फजल अल फारूकी। ये आपको अफगानिस्तान की कंप्लीट प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, गिव्य का जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे पूछूंगा, आप वीडियो को एंड तक जरूर देख के चलना, ताकि आप एक ग्रैंड लीग की टीम बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप क्रिएट कर सको। तो दोस्तों, रिसेंट में रहमतुल्ला गुरबाज ने 1 रन बनाया, लेकिन हेड टू हेड में 25 का एवरेज स्कोर है। वेन्यू पे एक ही मैच खेला है जिसमें 1 का एवरेज स्कोर है, लेकिन आज के मैच में ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिसेंट का मैच हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ उसमें ये फ्लॉप रहा था। और दोस्तों, अगर ये मैच भी हारती है तो एशिया कप में फाइनल में जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2 बार अगर कोई मैच हार जाती है कोई टीम, तो एशिया कप में इतने काफी ज्यादा मैच है नहीं कि भाई आपको 4, 5, 6 बार आपको मौका मिलेगा। लगभग 2 या 3 अगर लगातार मैच हारती है तो टीम बाहर आपको देखने को मिल जाएगी। रहमतुल्ला गुरबाज रिसेंट में 1 रन बनाया,
हेड टू हेड में 6 मैचों में 150 रन है, और इब्राहिम जादरान रिसेंट में 75 रन, 6 मैचों में 452 रन है 75 की एवरेज स्कोर से। एक मैच वेन्यू पे खेला है जिसमें 75 की एवरेज स्कोर से इसने स्कोर किया है। दोस्तों ये हेड टू हेड और वेन्यू दोनों पे बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, इसको अपनी ग्रैंड लीग टीम में आप कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप भी ट्राई कर सकते हो इब्राहिम जादरान को। लेकिन रहमतुल्ला गुरबाज को आपको जरूर पिक करना है, विकेट कीपर में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको रहमत शाह आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको लगभग 30-40 रन की पारी आराम से खेल के दे सकता है। ये प्लेयर आपके लिए यूनिक प्लेयर आज के मैच में बन सकता है, क्योंकि इसका परसेंटेज भी बहुत ही कम है, क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो लगभग 12 से 15% इसका सिलेक्शन परसेंटेज है। तो इसी को देखते हुए आप इसको अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर आपको शाहिदी देखने को मिलेगा, रिसेंट में 51 रन इसने भी बनाए, 8 मैच हेड टू हेड में खेले हैं, ओनली 174 रन बनाए हैं 21 की एवरेज स्कोर से। वेन्यू पे भी एक मैच खेल चुका है जिसमें 51 रन है, तो ये भी आपके लिए रिसेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है। और हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड खराब है, लेकिन ओनली 21 का एवरेज स्कोर है ओडीआई में, और वेन्यू पे 51 रन बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको ड्रॉप भी करके चल सकते हो। लेकिन रहमत शाह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों बढ़िया है। हेड टू हेड में 38 की एवरेज स्कोर है, और वेन्यू पे दोस्तों 33 की एवरेज स्कोर है, 8 ही मैच इसने खेले हैं, 304 रन इसके नाम है। अगर यहां पर शाहिदी की बात करें तो इसने भी 8 ही मैच खेले हैं, ओनली 174 रन है। तो ये प्लेयर आज के मैच में आपके लिए ग्रैंड लीग टीम में इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई करना। फिर आपको नजीबुल्ला जादरान आपको देखने को मिल सकता है, रिसेंट में इसने भी 17 रन बनाए, 1 रन 10 मैचों में 220 रन है 24 की एवरेज स्कोर से। वेन्यू पे एक मैच खेला है, 17 रन है 17 की एवरेज स्कोर से। फिर मोहम्मद नबी रिसेंट में ये फ्लोप रहा था, एक विकेट भी इसको नहीं मिली, फिर यहां पर 3 रन 0 विकेट, 29 रन 2 विकेट, और दोस्तों हेड टू हेड में 10 मैचों में 191 रन है 21 की एवरेज स्कोर से, 11 विकेटें भी निकाल चुका है। लेकिन जो पिच है वो स्पिनर की पिच नहीं है, पेसर्स को काफी अच्छी मदद करेगी, तो आप इसको ड्रॉप भी करके चल सकते हो अपनी ग्रैंड लीग टीम में, और आप इसके ऊपर कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप भी चाहे ट्राई मत करना आज के मैच में, क्योंकि ये जो पिच है ये पेसर्स को ज्यादा हेल्प करेगी। अगर ये आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएगा तो बैटिंग से परफॉर्मेंस करेगा, या फिर प्लस में इसको एक विकेट मिल सकती है, इससे ज्यादा इसको आज के मैच में विकेट नहीं मिलेगी। इसकी जगह आप जो ट्राई कर सकते हो, जो श्रीलंका की टीम है उसके बेस्ट बॉलर आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो, या फिर आप नेप को ट्राई कर सकते हो। रिसेंट में भी इसने 15 रन 1 विकेट, फिर 0 रन 2 विकेट, 20 रन 1 विकेट, फिर यहां पर 2 विकेट, बैक टू बैक परफॉर्मेंस है। और ये प्लेयर आपके लिए यूनिक प्लेयर है, परसेंटेज सिलेक्शन की बात करें तो इसका भी 20% सिलेक्शन है आज के मैच में, तो आप इस प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। करीम जनैत आपके लिए यूनिक प्लेयर है, और ये दोस्तों आज के मैच में आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर भी बन सकता है। इसका रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका बिल्कुल खराब है, किसी भी मैच में इसको विकेट नहीं मिली है, लेकिन बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया ऑलराउंडर है, आपको लगभग 1-2 विकेट भी निकाल के दे सकता है, प्लस में बैटिंग से भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। फिर आपको राशिद खान देखने को मिलेगा, रिसेंट में इसने बैटिंग से इसने भी 24 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग से इसने भी परफॉर्मेंस नहीं किया। हेड टू हेड में दोस्तों 6 मैचों में 9 विकेटें हैं, वेन्यू पे एक मैच में 24 की एवरेज स्कोर से इसको एक भी विकेट नहीं मिली है रिसेंट में। आप इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई नहीं करना आज के मैच में, इसको ओनली अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर आपको मुजीबुर रहमान रिसेंट में 4 रन 1 विकेट, 64 रन 1 विकेट, फिर यहां पर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, हेड टू हेड में 4 विकेट मिली है। हेड टू हेड में मुजीबुर रहमान को विकेटें बहुत कम चांसेस है कि 8 मैचों में ओनली 4 विकेट इसको मिली है, एक मैच में 1 विकेट इस पिच पे निकाली है, तो आप इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। राशिद खान को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, या फिर राशिद खान को भी ड्रॉप कर सकते हो, इसकी जगह आप फजल अल फारूकी को अपनी टीम में ट्राई कर लेना। रिसेंट में ये भी फ्लॉप था, लेकिन हेड टू हेड में 6 विकेटें हैं इसके पास, बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, लगभग 1-2 विकेट भी आज के मैच में आपको निकाल के दे सकता है, तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अफगानिस्तान का बॉलर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे बेंच प्लेयरों के बारे में, तो यहां पर आपको जो मौका मिल सकता है, नूर अहमद को शायद नहीं मिलेगा मौका, क्योंकि जो पिच है वो पेसर्स को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, या फिर सलमान शैफी को मौका मिल सकता है, या फिर यहां पर अगर और कोई प्लेयर को मिलेगा तो यहां पर हसन को मौका मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत अपडेट आएगा वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करेंगे जो श्रीलंका की प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है श्रीलंका की, अभी रिसेंट में बैक टू बैक मैचों को विन करके आ रही है। निशंका, फिर करुणारत्ने, फिर आपको मेंडिस,
फिर आपको यहां पर समर विक्रमा, फिर असलंका, फिर धनंजय सिल्वा, फिर दसुन संका, फिर वेलालेज, फिर महेश तीक्षणा, पथिराना और रंजीता, ये आपको फाइनल प्लेइंग 11 आज के मैच में देखने को मिलेगी श्रीलंका की। तो दोस्तों हमारा जो आज का गिव्य क्वेश्चन रहेगा वो हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि आज के मैच में करुणा रत्ने कितने रन बनाने वाला है। अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करेगी तो कितने रन बनाएगा। आपको सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है कि करुणा रत्ने आज के मैच में कितना रन बनाएगा, तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट को भर दो। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है, जो भी आपको आंसर सही लगता है, वही आप आंसर दो और आप 10,000 रुपए के गिव्य विनर आप बन सकते हैं। फिर आपको दोस्तों ओपनिंग बैट्समैन में निशंका आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट में इसने 14 रन बनाए, फिर 2 रन, 51 रन, 12 रन, 36 रन। हेड टू हेड में दोस्तों ये बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, 255 रन इसके नाम है 51 की एवरेज स्कोर से। और करुणा रत्ने रिसेंट में 1 रन, फिर यहां पर 83 रन, फिर 30 रन और फिर 33 रन। हेड टू हेड में 5 मैचों में 165 रन है 41 की एवरेज स्कोर से। ये दोनों प्लेयर जो परफॉर्मेंस करते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, दोनों आज के मैच में इंपॉर्टेंट है। अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करेगी तो कैप्टन वॉइस कैप्टनसी आप इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों से अफगानिस्तान के खिलाफ बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों। फिर आपको देखने को मिलेगा कुशाल मेंडिस, रिसेंट में 5 रन, फिर 22 रन, 49 रन, 7 रन, फिर 18 रन, 8 मैचों में 172 रन है 28 के एवरेज स्कोर से। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है रहमतुल्ला गुरबाज, उसको अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। समर विक्रमा रिसेंट में 55, फिर 36, फिर 13, फिर 31, फिर 1, 2 मैच हेड टू हेड के खेले हैं, 44 रन है 44 की एवरेज स्कोर से, क्योंकि एक ही मैच में इसको मौका मिला था बैटिंग का जिसमें इसने 44 रन बनाए। सीवीसी भी आप इस प्लेयर के ऊपर ट्राई कर सकते हो, इंपोर्टेंट प्लेयर है समर विक्रमा। आज के मैच में कुशाल मेंडिस को आप ड्रॉप करके भी चल सकते हो। असलंका भी रिसेंट में 62 रन नाबाद, क्योंकि जो श्रीलंका की बैटिंग है एंड तक बैटिंग है इनकी। धनंजय सिल्वा रिसेंट में 2 रन 1 विकेट, 8 मैच हेड टू हेड के 124 रन 24 के एवरेज स्कोर से, प्लस में 5 विकेट। सीवीसी के लिए आप इस प्लेयर के ऊपर ट्राई मत करना, क्योंकि आज के मैच में आप बैटिंग सेक्शन में कैप्टन लगाना। वॉइस कैप्टन अगर आप लगा रहे हो तो सेकंड टीम का लगा सकते हो जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, चाहे मोहम्मद नबी हो या फिर राशिद खान हो, कोई भी प्लेयर हो जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, उसको आप वॉइस कैप्टनसी लगाना। और कैप्टनसी आपका श्रीलंका के प्लेयर में ही होना चाहिए। हेड टू हेड में 6 मैचों में 190 रन है 63 की एवरेज स्कोर से। असलंका बढ़िया परफॉर्मेंस करता है श्रीलंका के खिलाफ, जब भी इसको बैटिंग मिलती है तो बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाता है। फिर आपको दसुन संका दोस्तों, ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा और ये आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर भी है। आज के मैच में अगर इसका परसेंटेज सिलेक्शन की बात करें तो 50% इसका सिलेक्शन है ग्रैंड लीग टीम में। 14 नाबाद प्लस में 1 विकेट, फिर 4 रन 0 विकेट, 12 रन 1 विकेट। हेड टू हेड में 7 मैचों में 99 रन है, प्लस में 1 विकेट भी निकाल रखी है 19 की एवरेज स्कोर से। फिर आपको वेलालेज रिसेंट में 1 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 6 रन 2 विकेट। हेड टू हेड का एक मैच खेला है जिसमें 31 रन है। दोनों में से आप एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो ऑलराउंडर में, क्योंकि दोनों आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दसुन संका है, क्योंकि ये आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, ये भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस करके देगा, लेकिन बैटिंग इसकी आपको पहले देखने को मिलेगी दसुन संका की, तो इसको अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर आपको महेश तीक्षणा देखने को मिलेगा, जो रिसेंट में बैक टू बैक परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन आज के मैच में ये आपको इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि हेड टू हेड में तो इसने 5 विकेट निकाल रखी है, लेकिन जो पिच है वो पेसर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगी। आप ट्राई कर सकते हो पथिराना को, रिसेंट में इसने 4 विकेट लेके गया, फिर यहां पर फ्लॉप, फिर बैक टू बैक परफॉर्मेंस। हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट है। वो इस कैप्टनसी में भी आप इस प्लेयर को अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। महेश तीक्षणा को अगर ट्राई कर रहे हो तो फिर आप मोहम्मद नबी है, काफी ज्यादा स्पिनर आज के मैच में, जैसे मोहम्मद नबी है, फिर राशिद खान आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें से फिर मुजीबुर रहमान भी है, इनमें से आपको एक प्लेयर या दो प्लेयर जरूर ड्रॉप करके चलने हैं। पेसर्स को ज्यादा आप आज के मैच में ट्राई करना। फिर आपको रंजीता रिसेंट में, ये भी फ्लॉप था, लेकिन हेड टू हेड में दोस्तों 9 विकेटें निकाल रखी हैं 5 मैच में, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, और आज के मैच में आपको लगभग 1 या 2 विकेट भी निकाल के देगा, तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर श्रीलंका के प्लेयरों में से किसी को मौका मिल सकता है, जो बेंच प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं, परेरा है,
फिर अगर यहाँ पर बिनरू फ्रेंडो को मौका मिलता है तो ये प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मधुसन को मिलता है तो आप आंख बंद करके इस प्लेयर को ट्राई कर लेना, ये आपको लगभग 2 विकेट आज के मैच में निकाल के दे सकता है। तो ये श्रीलंका के आपको बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें फैंटेसी के टॉप पिक प्लेयर तो इब्राहिम जादरान, फिर दोस्तों यहां पर शाहिदी, फिर यहां पर आपको नेब, फिर राशिद खान, ये आपको अफगानिस्तान की तरफ से समर विक्रमा और असलंका, फिर महेश तीक्षणा और पथिराना, ये आपको देखने को मिलेंगे श्रीलंका की तरफ से। कैप्टन वॉइस कैप्टनसी वीडियो में आपको बताया है, उन्हीं प्लेयरों को ट्राई करना, और जो मैंने आपको बताया है पूरी अपडेट की पेसर्स को हेल्प मिलेगी या स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी वो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बता रखा है। अगर बात करें कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की तो ये मेरी आज की स्मॉल लीग टीम है, ये मेरी आज की ग्रैंड लीग टीम है, इसमें मैंने कैप्टनसी धनंजय सिल्वा को ट्राई कर रखा है। लेकिन ये प्लेयर मैंने इसलिए ट्राई किया है क्योंकि ये एक यूनिक कैप्टन है आज के मैच में, या फिर अगर श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इन तीनों प्लेयरों में से कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई कर लेना। और ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है जिसमें मैंने वॉइस कैप्टनसी समर विक्रमा को ट्राई किया है, और कैप्टनसी भी मैंने यहाँ पर जो ट्राई किया है धनंजय सिल्वा के ऊपर, या आप वॉइस कैप्टनसी पथिराना को ट्राई कर लेना, कैप्टनसी करुणा रत्ने के ऊपर ट्राई कर लेना, ये आप स्मॉल लीग टीम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये दोस्तों मेरी फाइनल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम है। अगर कोई अपडेट आएगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, फटाफट से ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।